नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रोग्राम देख रहे होंगे या फिर आप अपनी पत्नी के साथ प्रोग्राम देख रहे होंगे, लेकिन ये बात मैं सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि पत्नियाँ अपने पति के साथ भी प्रोग्राम देख रही हूँ, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि प्रोग्राम भी कुछ इस तरह का है कि हम सभी पर बात कर रहे हैं, सभी के साथ बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि जिज्ञासा आपकी जगी हुई होगी और कुछ नई नए जिज्ञासु इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए होंगे। लीना जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। ओम शांति। ओम शांति। जिज्ञासाएं बहुत बड़ी हुई हैं। जिज्ञासा इस तरह से बड़ी हुई है कि मेल्स हमें मिल रहे हैं, अच्छा, जिज्ञासावश, और उसमें उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं, कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश की हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, हम उन सवालों को शामिल करते चलेंगे प्रोग्राम में और फिर आपसे बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे थे पिछली बार कि घर में एक काम करते हैं माता पिता, जब बच्चों के माता पिता दोनों काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आपने उसको बहुत आसान कर दिखाया कि कितनी आसानी से बच्चों को लालन पालन किया जा सकता है काम करते हुए भी, बल्कि एक गृहिणी के लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब चूँकि आपके लिए आसान ये हो सकता है कि आप चूँकि बड़े बड़े पदों पर आप आसीन रही हैं, आप अधिकारी रही हैं, तो आपने अपने अधिकारों का आप चाहे अपने इस्तेमाल भी किया होगा। जाहिर है गाड़ियाँ रही हैं, लाल बत्ती की गाड़ी भी आपको मिली हैं, नौकर चाकर भी मिले हैं, तो बच्चों को लाने ले जाने में, बाज़ार जाने में या कुछ और काम करने में उनको बहुत आसान रहा होगा, तो आप समय उतना तो नहीं दे पाई होंगी। अब बाकी के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती। नहीं, देखिए, मैंने जिसे मैं मानती हूँ कि ये तो माँ बाप को सोचना है कि हमें किस तरह से समय को निकालना है। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं 84-85 के दौरान मैं सांगली में कलेक्टर थी जी। अब आपको पता है कि कलेक्टर का बहुत बड़ा रुतबा होता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी जी, गाड़ी में मैं बैठ करके कहीं भी, अगर मुझे कहीं भी जाना है तो मैं गाड़ी में बैठ करके जाऊँगी। पूरे शहर की लॉ एंड ऑर्डर की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी रहती है, साथ में एक कॉन्स्टेबल भी होगा, यूनिफॉर्म वाला ड्राइवर भी होगा। लेकिन मैंने उस समय, मेरा छोटा बेटा केजी में जाता था, तो मैंने ये तय किया था कि इसके साथ अगर मुझे एक्सक्लूसिव समय चाहिए तो इसे मैं अपने स्कूटर पर बिठा कर मैं इसके स्कूल छोड़ने जाया करूँगी। तो रोज़ सुबह का हमारा समय जो था वो केवल हम दो माँ बेटे के लिए था, कि जब मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती थी, स्कूटर पर उसे स्कूल ले जाती थी और उसे स्कूल में छोड़ करके मैं स्कूटर से वापस आती थी। और आप समझिए कि वो जो हमारा 10 या 12 मिनट का समय मिलता था, उस दौरान हमारी तमाम पढ़ाई हो जानी थी। कविताएं हुए, श्लोक हुए, दोहे हुए, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती हुई, 2 से लेकर के 5 तक के पाढ़े हुए, ये सारी पढ़ाई उस दौरान हो जाती थी। हालांकि आप चाहती तो शायद ड्राइवर के साथ बच्चों को भेजा जा सकता था आसानी के साथ। बिल्कुल भेजा जा सकता था, हालांकि मतलब ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई बार किया भी जाता है कि बच्चे ड्राइवर के साथ जाते हैं, या अगर मेरी गाड़ी में तो बच्चे को नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन घर में जो प्यून आया है उसको कहा जा सकता है कि तुम अपनी साइकिल पर बैठा करके इसको ले जाओ, तो मैं अपना टाइम टाल बचा सकती हूँ उसे किसी दूसरे के हवाले करके। नहीं, आपने ऐसा नहीं, लेकिन किया। मैंने ये सोचा, आपने उसका यूटिलाइज किया, उसको मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया कि मैं उसके साथ भी समय बिता सकूँ, उस बीच उसकी पढ़ाई भी हो जाए और वो ये खुश हो ले, क्योंकि वो भी चाहे छोटा हो पर वो ये समझता था कि मेरी माँ किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, ये उसे पता था, ये उसे भान था, तो उसे भी ये अच्छा लगता था कि वो चाहे जो भी हुए पर मेरे लिए ये समय निकलता है, निकाला जाता है। और वो पूरा, मुझे अभी भी याद आता है कि उसका वो पूरा समय खिलखिलाते हुए गुजरता था, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई जोक्स सुन रहे हो, कुछ भी हो, अक्सर तो हम पढ़ाई कर लिया करते थे। अब जब तो, वो नर्सरी में जाता था या KG1 में या जाता था, जो भी जाता था, जो भी क्लास थी उसकी, बहुत छोटा था वो, तो उस वक्त तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना कि इसको कलेक्टर बनाना है, इसको साइंटिस्ट बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हमारे घर में ये था, बच्चों पर ऐसा कोई बंधन नहीं था कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है ना, या 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि जो भी इस विषय तुम पढ़ रहे हो वो स्कूल तुम्हें भले ही 100 में 100 नंबर दे दें पर वो मेरी परीक्षा पास होकर के दिखाओ,
और मेरी परीक्षा वैसी होगी जो स्कूल की अपेक्षा टेढ़ी होगी, और वो इसलिए होगी, मैं ये जानना चाहूँगी कि तुमने केवल रटा है या वो सब्जेक्ट गहराई से तुम्हें समझ में आया। तो मैं या मेरे पति, हम दोनों जब बच्चों के साथ जब पढ़ाई करने के लिए बैठते थे तो हमारा जोर इस बात पर नहीं होता था कि इस तरह से आंसर लिखो ताकि तुम्हें 100 में 100 नंबर मिले। तो हम उन्हें क्वेश्चन का आंसर, परीक्षा में क्वेश्चन आंसर देने की टेक्निक नहीं सिखाते थे, हम उन्हें सिखाते थे कि सब्जेक्ट को कैसे गहराई से समझा जाए। पढ़ा जाए और समझा जाए। तो ये एक बहुत बहुत ही मुझे लगता है कि एक आवश्यकता है, खास करके जब हम आज की अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो पूरा जोर, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस का हो या जो स्कूल से कहा जाता है कि होमवर्क करके लाओ, उस होमवर्क का भी जोर जो होता है वो पूरा एम्फोसिस होता है कि क्वेश्चन आंसर लिखने की टेक्निक पर। मुझे लगता है कि जो पहले गुरुकुल पद्धति जो हुआ करती थी जी, उसको आपने ऑलमोस्ट घर के अंदर जीवित करके रखा हुआ था, कि जिस तरह से भाई रट्टा नहीं मारना है आपको, किसी चीज़ को सिर्फ जवाब नहीं दे देना है जब तक उस तथ्य को आप समझेंगे नहीं। हालांकि कहीं कहीं रट्टा मारना जरूरी होता जरूरी है, भी होता है, जरूरी होता है। जैसे मैं बच्चों को, क्योंकि अक्सर मेरे बच्चे मेरे से पूछते थे क्या जरूरी है रट्टा मारना, पूछते थे। हमारी पढ़ाई हमारे बचपन में रट्टा मार करके हुई है। तो बच्चे कहते थे नहीं, रट्टा नहीं मारना है, सब्जेक्ट समझना है। एक तरफ तो आप रोज मंत्र दोहराते हो सब्जेक्ट समझो, फिर रट्टे की बात क्यों। तो मैं उनको एक उदाहरण दिया करती थी कि मैं कहती थी कि चलो तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है। तो अब सोचो कि एक बच्चे को पूछा जा रहा है कि 7 8 कितने, उसने मान लो कि तुम्हारी तरह जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया उस तरह का रट्टा उसने नहीं मारा है, तो वो क्या करेगा, वो गिनती करेगा, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28, इस तरह करते करते वो 7 8 56 पर पहुँचेगा। अब तुम्हें मैंने अलग मेथड से रट्टा मारना सिखाया हुआ है, तो जैसे ही मैं पूछूंगी 7 8 तो तुम्हारे मुँह से फट से जवाब निकलना चाहिए 56। ये मेरे पढ़ाने का एक अलग तरीका था, वो कभी बाद में हम बात करेंगे। तो अब ये सोचो कि जहाँ कंपटीशन की बात है, रेस की बात है, तो जिससे 7 8 का जवाब तुरंत 56 आता है और जिससे 7 1 7 7 2 14 7 21 करना पड़ता है, दोनों में से कौन आगे निकलेगा। तो जाहिर है तुम आगे निकलोगे अगर तुमने इस मेथड से रट्टा मारा है। तो थोड़ा बहुत रट्टा मारना आवश्यक होता है। दूसरा, जहाँ तक कविताओं का सवाल है, तो मैं उन्हें बताती थी कि कविताएं जो हैं, तो जैसे कविता हुई तो कविता को रट करके रखना जरूरी है, क्योंकि मैं उन्हें बताती थी कि देखो, अब मुझे कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुझे कहीं भाषण देना है, तो उस भाषण के दौरान मेरे भाषण को दिलचस्प बनाने के लिए, ताकि सुनने वाले उससे प्रभावित हों, मुझे कोटेशंस देने पड़ते हैं। वो कोटेशन किसके होते हैं, कविताओं के होते हैं। वो कविता कहाँ से आती हैं जो मैंने बचपन से लेकर के अब तक याद करके रखी है, और तुम्हारे साथ भी जब तुम अपनी कविताएं याद कर रहे हो, तो चूंकि मेरे लिए ये कविता अगर नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ याद कर रही हूँ, क्यों, ताकि कभी भी मुझे फ्यूचर में कोटेशंस के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ये चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं। आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी 100% सिंप्लिस्टिकली नहीं बिताई जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा बिताई जाए तो कभी कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं आज मैं दूसरे को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, तो वो जब मौका आएगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या तुम वो एक सटीक उदाहरण दे सकते हो, एक सटीक कविता उस समय सुना सकते हो, एक सटीक कोटेशन क्या तुम उस समय दे सकते हो। तो मैं उन्हें एक कोटेशन जो हमने बचपन में याद किया था, मैं उसका उदाहरण देती थी। तो मैं कहती, छोटा सा कोटेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कोटेशन था कि हमारे क्लास में महात्मा गांधी जी के ऊपर एक लंबा चैप्टर था, और उसका एक कोटेशन था कि महात्मा गांधी सत्याग्रह को कैसे डिफाइन करते थे। तो व्हाट इज सत्याग्रह, तो सत्याग्रह इज स्टैंडिंग फर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रूथ यूजिंग ओनली द फोर्स ऑफ लव। अब ये बातें जो हैं, ये इतने कम शब्दों में पूरी बात आ गई और इतनी अच्छी तरह से कही गई है, जिसमें सत्याग्रह की पूरा इसेंस आ गया, उसमें फोर्स ऑफ लव
होना चाहिए और फर्मली ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जमीन पर खड़ा, सच्चाई की जमीन पर। तो मैंने कहा अब ये कोटेशन अगर मैंने रट के रखा है तो 100% दूसरा इससे इम्प्रेसिव होगा जब भी मैं ये कोटेशन सुनाऊंगी। इसलिए कुछ बातें हैं जो कि रट करके रखना है, लेकिन उसके रटने के समय ये भान हमेशा होना चाहिए कि मैं ये क्यों रट रहा हूँ, तो अपनी एक्सप्रेशन की खूबसूरती को निखारने के लिए रट रहा हूँ। ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। और जब आपको किसी भी अपनी एक्सप्रेशन की खूबसूरती को निखारना हो, उस समय जब आप ये कोटेशन यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोटेशन आपने रटा नहीं है, ये कोटेशन आपके दिल में आपने बसाया हुआ है। कई बातें ऐसी होती है कि जिनको दिल में बसाने के लिए शुरुआत में उनको रट करके रखना जरूरी होता है। तो रट्टा मारना हमेशा टोटली 100% निगेटिव है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मैंने उन्हें भी नहीं मानने दिया। हम बात कर रहे हैं अलीना मेहंदली जी से और वो बता रही हैं आपको टेक्निक्स के किस तरह से बच्चों का लालन पालन किया जाए, किस तरह से उनको पढ़ाई की तरक्की में बताया जाए। सिर्फ बातचीत करना मकसद, यानी अगर उसको यूँ कहा जाए कि हंगामा बरपा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ये पैगाम जो है, ये संदेश जो है आप तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और आप और व्यवस्था बदले, आप कुछ अपने में बदलाव लाएं, कुछ अपने बच्चों के साथ जैसा आपका रिलेशन बन रहा है उसमें कुछ अच्छा अच्छा क्योंकि निकले। बहुत सारे टिप्स लेकर के हम आपके सामने खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अथाह सागर है अनुभव का लीना जी आपके पास, और आप उनमें से निकाल कर एक एक चीज़ दे रही हैं, क्योंकि आज के पेरेंट्स को इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज बच्चों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए हैं कि बच्चों का कैरियर बस, इसके अलावा उनके पास बाकी सारे रिश्ते उन्होंने तर्क करके रख दिए, मतलब छोड़ के रख दिए उन्होंने, सारी चीज़ें छोड़ दी उन्होंने। आपने पहले पिछले एपिसोड में हमने बात की कि महिलाओं गृहिणी जो है एक बहुत बिजी रहती है, उसके अलावा फिर एक वर्किंग लेडी जो रहती है वो जब घर पे आती है तो वही काम करती है बहुत सारी। आपने उनको एम्फेसिस किया, आपने उनको हाईलाइट किया, मैं मानता हूँ, लेकिन पुरुषों का भी रोल बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है क्योंकि घर जो है वो दोनों से बनता है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि घर है उसमें केवल माता और पिता दो ही नहीं हैं, माता पिता बच्चे परिवार में, परिवार जब हम कहते हैं तो उसमें दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, मामा आ गए, मौसी आ गई, फूफा आ गए, चाचा आ गए, हर तरह के रिश्ते जो हैं वो परिवार में शामिल हो जाते हैं। तो उसमें पुरुषों का भी उतना ही योगदान है और होना चाहिए, और बच्चों को खास करके मिलते रहना चाहिए जितना कि उनको माँ की साइड से। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष अपने पुरुष प्रधान जहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है तो वो ये कहता है कि मैं परिवार का केंद्र हूँ, मेरा काम सिर्फ आर्थिक लेन देन, आर्थिक जिम्मेदारियाँ उठाना है, बाकी काम आपको देखना है, तो ये जिम्मेदारियों से भागना हाँ, नहीं हुआ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पिता कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी पढ़ाई में कुछ कमी आ रही है, जाओ जाके माँ से पूछो, ये डायलॉग मैंने कई बार, ये है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेगा वहाँ ट्यूशन लगवा लो, ट्यूशन लगवा लो। एक्चुअली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ आपने जैसे पिता के रोल की बात करी ना, तो मैं अपने आप के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को एक ये टिप देना चाहूँगी। एक बहुत ही प्यारी नॉवेल है टू किल द मॉकिंग बर्ड, वो ज़रूर पढ़ें आप, ये समझने के लिए कि पिता का रोल कितनी खूबसूरती से निभाया जा सकता है। बहुत सुंदर किताब है, मतलब वो किताब अपने आप में एक माइलस्टोन है अलग अलग वजहों से, क्योंकि उसमें निग्रो वर्सेस वाइट रिलेशनशिप की बात है, वो अमेरिकन सिविल वॉर के पहले के माहौल की बात है, अमेरिकन परिवेश की बात है, उसमें सच्चाई की बात है, किसी के पड़ोसी के प्राइवेसी को मेंटेन करने की बात है, बच्चों की जिज्ञासा की बात है, कई तरह की बातें हैं, उन हर एक मापदंड पे वो किताब एक माइलस्टोन मानी जाती है। लेकिन मैं जब उसको देखती हूँ, उस किताब को मैं कभी भी जब हाथ में उठाती हूँ, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि एक पिता कितनी खूबसूरती से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, उनमें संस्कार ला सकता है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टिप्स कि आप जरूर पढ़ें। पर मैं मानती हूँ कि पिता की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि और ख़ास करके अगर गृहिणी घर के अंदर है, वो बाहर उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, उससे बच्चे को थोड़ा सा कॉशन कराना, थोड़ा सा अवगत कराना, ये भी आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है।
और बच्चे को एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाना वो भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे माहौल में पिता की भूमिका भी बहुत बड़ी हो। लेकिन एक बात क्या जी, और मैं ये कहूँगी कि पिता की भूमिका हो या माता की भूमिका हो, वो भूमिका निभाने का मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मित्रता का। आपने एक बहुत पुराना श्लोक हमारे ज़माने में हम लोग पढ़ते थे और खूब हंसते थे उस श्लोक पर। तो वो श्लोक ऐसा होता था कि बच्चे के लिए, मतलब माता पिता को कहा गया है कि बच्चे के लिए लालयत पंचवर्षाणी, 5 साल तक तो उसको खूब लाड़ प्यार करो, दशवर्षाणी ताड़यत, मतलब अगले 10 साल उसको मारपीट मारपीट करो, करो। मतलब उसको ठोक पीट कर, मारपीट नहीं मैं कहूँगी, उसको ठोक पीट करके उसको सही बनाओ, शेप दे उसको दो। शेप दो, ठोक पीट करके, जैसे कुम्हार ठोक पीट करके शेप देता है उस तरह से। और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, मतलब वो 16 साल का अगर हो फिर जाए उसके बाद उसके बाद दोस्त उसको जैसा दोस्त उसके की साथ व्यवहार तरह से करो। उसके साथ व्यवहार करो। तो आज ज़माना बदल गया है। तो मैं समझती हूँ कि जो कुम्हार की तरह ठोक पीट करके शेप देने वाला जो उदाहरण समय है, तो लेकिन वो ठोक पीट आजकल बहुत संभल करके करना पड़ेगा नहीं, माँ वो बाप ठोक को, पीट अब हाईटेक हो गई है, वो हाईटेक ठोक पीट हो गई है ये कह इसको लीजिए। आप ऐसा कह सकते पर हैं। मित्रता जो वो कह रहे हैं कि 16 वर्ष होने के बाद मित्रता से आचरण करो, वो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ये डिमांड करती है कि आज से ही, अभी मैं पैदा हुआ अभी से तुम मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करो, व्यवहार या करो। अभी मैं पैदा नहीं हुआ हूँ या पैदा नहीं हुई हूँ पर मेरे साथ मित्रता का आचरण करो। और मुझे लगता है ये जायज़ डिमांड है। तो उनके साथ तो हमेशा ही, और ये मित्रता की भूमिका निभाने में पिता का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने मैंने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर दोहराना चाहूँगी कि पिता भी अपनी बातें घर में शेयर करें, अपने सारे दुख नहीं शेयर कर सकते या सारी खुशियाँ नहीं शेयर कर सकते, बस थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़े से दुख, और बाहर क्या चल रहा है उसका थोड़ा सा भान, उसके कारण जो आवश्यक है वो सतर्कता और थोड़ा सा करेज, थोड़ा डेयरिंग, है ना। तो ये सारी बातें फिर पिता को करनी पड़ती पिता हैं, को करनी पिता पड़ेगी। को करनी पड़ेंगी। अब मैं कहूँगी कि आप अच्छे पिता हैं तो बच्चे के साथ निकल जाइए साइकिल की टूर पर, असल है बच्चे के साथ समय बिताइए, उसके साथ शेयरिंग करिए, और उसी में उसको थोड़ा सा डेयरिंग भी सिखाइए। तो आप लेकिन ये बहुत उसको अच्छी चीज़ें बताई आपने, लेकिन एक चीज़ हमेशा सामने आती है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या पॉसिबल है, क्या बड़े बड़े साइकिलिंग, शहरों में ये जो चीज़ें समय बिताना, क्योंकि समय पर आदमी घर नहीं पहुंच पाता, उसके पास समय नहीं रहता इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आप छोटे शहर में हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर संभव है, लेकिन बड़े शहरों में आपने सही कहा कि बड़े शहरों में कई बार ये उदाहरण देखा जाता है कि पिता जो है वो 6-7 बजे ही घर से निकल जाते हैं ऑफिस, ताकि वो समय पर ऑफिस पहुंच सकें 10 बजे, जी। और वहाँ से जब निकल करके वापस आते हैं तो रात 9, 9:30, 10 तक बज जाते हैं, जिस समय बच्चे सो चुके होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है ये बात, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें जो मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ वो एक बात पर लगाती हूँ कि जब एक पुरुष या स्त्री भी, कामकाजी महिला भी, घर से वापस आई, घर वापस आई, देखा कि बच्चे सो चुके हैं, ठीक है, उस समय आपके मन में क्या भाव आता है? ओह चलो अच्छा हुआ बच्चे सो गए, सो गया, अब मुझे थोड़ी सी शांति से कुछ करने को मिलेगा, ये, या ओह ये सो गए, आज मैंने इनके साथ अपना एन्जॉयमेंट मिस कर दिया। तो चलो मान लो बच्चे सो गए, लेकिन नींद में कभी बच्चे थोड़ी देर के लिए जागेंगे, है ना, तो आप वो समय, वो जो भी 2 मिनट का समय होगा, तो ध्यान इस बात पर रहे कि मैं बच्चों के साथ शेयर टाइम करना चाहता हूँ अपने एन्जॉयमेंट के लिए। तो फिर वो समय निकल जाएगा, कभी ना कभी निकलेगा। और वो समय निकालने के लिए देखिए, अपनी बात को और अपनी भावना को या अपनी सिंसियरिटी को बच्चे तक पहुंचाने के लिए 4 घंटे, 10 घंटे नहीं चाहिए होते हैं, एक पल काफ़ी होता है। लेकिन अब रात में बच्चा नींद में है, वो अचानक थोड़ी देर तक करवट इधर से उधर ले रहा है, आपने उसकी पीठ थपथपा दी, बच्चे को पता चल रहा है, सही आपने उससे मुंह से बात नहीं की लेकिन उसे पता चल रहा है मेरे साथ हैं,
मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये एहसास भी बच्चे को दिलाना जरूरी है। दिलाना, तो मैं मानती हूँ आप सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक बच्चे के साथ नहीं समय बिता सकते। रात के 7-10 बजे से लेकर के सुबह 7 तक आप उसे बीच बीच में एहसास तो दिला सकते हैं कि आप उसके साथ। चलिए, ये एक, तो ये एक मन में रखने वाली बात, एक समस्या हो गई। एक समस्या और है कि थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ कि दोनों कामकाजी माता पिता, दोनों कामकाजी, उनका ईगो क्लैश, उनका अहम का टकराव जब घर में होता है, हाँ, ये एक बहुत बड़ी, तो उसके बाद जो विवाद और उसके बाद जो वातावरण जो खड़ा होता है, तो उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है और उससे कैसे निपटा जाए? उसका बच्चे पर डेफिनेटली असर पड़ता है, और वो किस तरह से असर पड़ेगा ये टोटली उस बच्चे पर निर्भर करता है। कई बार कि बच्चा उसको किस रूप में लेता है, तो उसका लेकिन कई बार वो असर अक्सर वो बुरा ही होता है। अगर माँ बाप क्लैश कर रहे हैं तो घर में निगेटिविटी बढ़ रही है, और निगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका असर मोस्टली बुरा ही होगा। तो इसलिए अब इस परिस्थिति से कैसे बचा जाए, ये आपका सवाल है। अब मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि हर समय आप ये गारंटीड नहीं कह सकते कि आप 100% ऐसी परिस्थिति को बचा ही जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता, आप कोशिश करेंगे, है ना, जितना आपको एहसास होगा कि इसका बच्चे पर निगेटिव असर पड़ रहा है, उतना आप कोशिश करेंगे कि ये निगेटिविटी ना फैले, लेकिन कभी कभी फैल भी सकती है। कभी कभी आप नहीं रोक पाए, क्लैश हो गया, अब बच्चे उसको अपने मन में तौल रहे हैं, और उस क्लैश के बाद जब वापस सुलह हो गई, वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया, सारा व्यवहार फिर से नॉर्मली चलने लगा, और आपने कह दिया चलो वो जो बीत गया, अब आगे अपना आगे का रोजाना से, हाँ, वो ढर्रा फिर से चलने लगा, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि उस बच्चे के दिल पर जो असर पड़ा है, दिमाग पर जो असर पड़ा है, उसकी सोच पर जो असर पड़ा है, आपने कॉन्शियसली ये ख्याल नहीं किया है क्या वो उन बातों को पीछे छोड़ करके अपने अगले दिन की तरफ ध्यान दे रहा है, या उस बात में वो उलझ करके रह गया है। तो ये सोचने की जिम्मेदारी फिर बड़ा होने के नाते अभिभावक पर है, माता और पिता दोनों पर है। इसको किसी एज ग्रुप में आप बांधना चाहेंगे कि कौन से, किस एज ग्रुप के बच्चे पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये बच्चा? आप ये थोड़ी देर समझ लीजिए कि वो सेकंड तक ही है, अप टू सेकंड। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका बच्चे के एज ग्रुप से कोई लेना देना है, क्योंकि हर ग्रुप का, हर एज ग्रुप के बच्चा अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। और ये भी जरूरी नहीं है, जैसे माता पिता उस बात को भूल करके या उस बात को पीछे छोड़ करके अपने अगले दिन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, अपनी मैच्योरिटी के कारण, लेकिन वो मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि बच्चे में। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे समय में माँ या पिता दोनों में से कम किसी एक की, और अगर हो सका तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जब सारे शांत हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो बच्चे के साथ बैठो और उसे भी समझाओ कि वो जो हमने झगड़ा किया था उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं था, वो बिल्कुल कोई छोटी सी हल्की फुल्की बात थी, है ना। तो जैसे कभी तुम हल्की फुल्की कहीं गिर गए, कहीं थोड़ी सी चोट लग गई, उसको हल्की फुल्की कह करके टाल देते हो सकता है 3 दिन दर्द करे, 4थे दिन नॉर्मल हो जाते हो। तो इसको भी उसी तरह से एक छोटे एक्सीडेंट के रूप में लो, इसको कोई बहुत ज़्यादा महत्व मत दो। ये बात कई बार बच्चे को बैठ करके समझाना जरूरी है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि एक छोटी बात कहना चाहूँगी कि घर में एक आदत सी बनाई जा सकती है कि एक दिन तय किया जाए पहले से ही, जब घर के सारे सदस्य एक साथ 15 मिनट या आधे घंटे के लिए बैठेंगे। और जैसे मैंने आपको शेयरिंग की बात, जिस पे मैं बहुत जोर देती हूँ, शेयरिंग जो है वो 3-4 चीज़ों की शेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। एक तो आपके खुशी की बातें क्या क्या हैं आपके लिए, दुख की क्या क्या बातें हैं, चिंता की क्या क्या बातें हैं, और आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं। दुख, खुशी, चिंता और चिंता आपके ड्रीम्स, सपने और आपकी सोशल कमिटमेंट, सामाजिक जिम्मेदारियां, हाँ, इन 5 बातों की शेयरिंग बच्चों के साथ अवश्य होनी चाहिए। और लेकिन किसी दिन तो हम लोग ये किया करते थे कि अच्छा चलो
तुम बताओ कि इन पांचों में से, इन पांचों टॉपिक में से क्या तुम कुछ भी आज शेयर करना चाहते हो जो तुम्हारी तरफ से शेयरिंग के लायक है या मेरी तरफ से शेयरिंग के लायक है, तो पहले उन चीज़ों की बात की जाएगी। अगर हर कोई कहे नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, तो भी अगर हर कोई भी कहे, कभी कभी अहम का टकराव इतना हो जाता है कि सारे लोग गुस्से में बंधे हुए हैं और हर कोई कहता है मुझे कुछ नहीं कहना। तो हमने ये रूल बनाया हुआ था कि अगर हर कोई कहे कि मुझे कुछ नहीं कहना, फिर भी सब लोग वो जो मुकर्रर किए हुए 15 मिनट है वहीं बैठेंगे, हटेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये पांचों बातें नहीं है तो फिर कोई दूसरी बात छेड़ो, जोक सुनाओ, कुछ भी करो, पर वो 15 मिनट एक साथ इकट्ठे जरूर बिताने हैं। एंड द पर्पज इज टू सॉर्ट ऑफ टेक अ रिव्यू कि पिछली बार जब बैठे थे तब से लेकर के आज तक क्या अगर चेंज कुछ क्या? गलत हुआ है तो उसका जो कलुष मन में है, अगर है तो लेट अस वाइप इट आउट। अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, उसकी जो खुशी है लेट अस री एंजॉय, है ना। कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ चिंताएं हैं, डेफिनेटली उनको बोलो ताकि वो अंडरलाइन हो जाए, सबको एहसास हो कि इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी जिम्मेदारी मेरी भी है। ड्रीम्स हैं उसको शेयर करो, सोशल कमिटमेंट है उसको शेयर। तो इसमें क्या होता है, ये अगर हमने एक रूटीन बना ली, भले ही इसको आप 2 महीने में एक बार करिए, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत वर्ष बीत जाने के बाद, 6 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष तक भी बीत गए, आज भी अब जबकि मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए, विदेशों में रहने लगे, अपने अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं, इसके बावजूद भी जब कभी हम लोग मिलते हैं, अच्छा उस दिन हम लोगों ने बैठ करके इस तरह की बातें की थी, अच्छा मम्मी उस दिन आपने इस सपने की बात की थी, या मैं कहूँगी कि तुमने इस सपने की बात की थी, कहाँ पर हो आज, तो भले ही उससे उस सपने को आगे ले जाने की बात नहीं हो रही है, पर वो खुशी वापस लौट करके आती है जो शेयरिंग की खुशी थी। तो इसका परिणाम जो है वो दूर दूर तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि अच्छे वातावरण में बिताए हुए जैसे भी पल हों, चाहे वो दुखी दुख के पल हों, खुशी के पल हों, चिंता के पल हों, लेकिन वो शेयरिंग उस वक्त का बाद में आपको फिर से वो खुशी देता, वो आपको खुशी ही देगा। तो जाहिर है कि दुख, खुशी, चिंता और सामाजिक आपकी जिम्मेदारियां हैं वो सब, और आपके सपने, इन सब को आप शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि कोशिश करें आपके रोज़ आप 15 मिनट अपने परिवार के साथ बैठें, ना हो तो 3 दिन में एक बार बैठें, ना हो तो हफ्ते में एक बार, तो आपको डिसाइड कर लीजिए कि आपको बैठना ही बैठना है, ना हो तो महीने में बैठिए, ना हो तो पर रूटीनली बैठा करिए, तो एज अ रिचुअल। जब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी तब मैं आपसे ज़रूर ये सवाल करूँगा कि इस हफ्ते में आप 15 मिनट अपने परिवार के साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे, और आपने अपनी सारी चीज़ें अपने परिवार के साथ शेयर की थी या नहीं की थी, लेकिन और उससे क्या आनंद लिया और कितना आनंद में आपने अपने वातावरण को बनाया, और उसके बाद जब आप फिर से बैठेंगे तो जाहिर है कि उस पर फिर से चर्चा होगी आपकी, और हमारी भी चर्चा चलती रहेगी। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, ओम शांति।